जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि के किसी भी दिन इस जड़ को लाकर पहन लेना पूरे शरीर का कायाकल्प कर देगा। आपका भाग्य सातवें आसमान पर होगा। जहां भी जाओगे दौलत आपके पीछे आएगी। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिन्हें शुभ माना जाता है। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधों की ना सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ये कई प्रकार की बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधे एवं जड़ी बूटियों का उल्लेख मिलता है। जैसे कि तुलसी का पौधा, पीपल का पौधा, इसका बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हम सब पीपल की पूजा क्यों करते हैं और हमें आखिर पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए? वट सावित्री का व्रत जो माता एवं बहनें करती है वो पीपल की पूजा क्यों करती है? क्योंकि पेड़ पौधों में कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियाँ होती है जिसके दम पर कम समय में भी आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि नवरात्रि के दिनों में ताबीज में भरकर पहन लेना इस पौधे की जड़, आपकी बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। देखिए, ये जो नवरात्रि का महीना होता है माँ दुर्गा की कृपा एवं आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय माना गया है। जो व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, रिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, शुभ लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, धन धान्य की कामना करते हैं, धन धान्य से समृद्ध होना चाहते हैं, आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, शांति एवं कीर्ति की प्राप्ति हो, आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति हो, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आपको और कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं आपको नवरात्रि के दिनों में धारण करने वाली 5 जड़ के बारे में बताऊंगा। इन 5 जड़ में से कोई भी एक जड़ धारण कर लेना। जितने भी लाभ आपको इस वीडियो में मैंने बताए हैं वो सारे लाभ आपको अवश्य मिलेंगे। दोस्तों, पेड़ पौधों में बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक शक्तियाँ होती है। आप माने या ना माने, हमने अपने जीवन में जड़ी बूटी का उपयोग करके बहुत सारे लोगों की बीमारियों को ठीक किया है और हम स्वयं भी अपने जीवन में बहुत बार इन जड़ी बूटियों का उपयोग कर चुके हैं। दोस्तों, आप धार्मिक दृष्टि से ले लीजिए चाहे आप आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, ये जो पेड़ पौधे होते हैं हमें फायदा पहुंचाने का काम ही करते हैं। सबसे पहले तो आपको नवरात्रि के इन 9 दिनों में इन पेड़ पौधों की जड़ को ले आना है। अगर आप नवरात्रि के किसी भी दिन इस वीडियो को देख रहे हैं तो नवरात्रि के किसी भी दिन इस पेड़ पौधे की जड़ को लाकर आप अपने घर में पूजन करके धारण कर सकते हैं। लेकिन नवरात्र के 9 दिनों में आप इनकी पूजा कर इनकी जड़ को धारण करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। आपको वो हर चीज़ प्राप्त होगी जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप इन पेड़ पौधों की जड़ को धारण करते हैं तो रत्नों से भी ज़्यादा अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं इन रत्नों में त्रुटि होती है, कहीं ना कहीं इनमें गलतियाँ होती है, लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधों से आपको कोई भी बेवकूफ नहीं बनाएगा और इनमें कोई मिलावट या त्रुटि भी नहीं होती है, क्योंकि इनकी जड़ को आप स्वयं अपने हाथों से उखाड़ कर लाएंगे और आप इसको धारण करेंगे। तो मैं आपको नवरात्रि के 9 दिनों में लाने वाले पेड़ पौधों की जड़ के बारे में बताऊंगा जिसे आप लाकर धारण कर सकते हैं। सबसे पहले तो इन पेड़ पौधों की जड़ को लाकर आपको क्या करना है, इनकी देवी प्रतिमा की तरह पूजा करना है। जैसे माता रानी की पूजा करते हैं ठीक उसी प्रकार इन पेड़ पौधों की जड़ को लाकर इनकी पूजा करनी होगी। और 10वें दिन जब विजयादशमी होती है उस दिन इस जड़ को ताबीज में भरकर पहनना होता है। अगर आप चांदी का ताबीज लेने में असमर्थ है तो आप इसे तांबे के ताबीज में भी धारण कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि में कौन सी जड़ को कौन से ताबीज में डालकर धारण करना चाहिए, आपको पहनना चाहिए। हम आपको 5 जड़ के बारे में बताएंगे। दोस्तों, जानकारी बताने से पहले आप और आपके परिवार को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपको सदैव खुश रखे
और हाँ, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि आपको ऐसे ही चमत्कारिक वीडियो देखने को मिले। दोस्तों, चमत्कार को नमस्कार है, ऐसी बातें आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। आगे आपकी मर्जी। आपसे निवेदन है कि नवरात्रि में माता रानी आपको सौभाग्य प्रदान करे, इसके लिए कमेंट में जय माता जी लिखना ना भूले। दोस्तों, आइए जानते हैं, सबसे पहले तो आपको चमेली की जड़ को लाना चाहिए। हम आपको चमेली की जड़ के फायदे एवं बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे। चमेली की जड़ में देवीय शक्तियाँ समाहित रहती है। आपने देखा होगा कि चमेली का तेल हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। इसमें हनुमान जी महाराज की देवीय शक्तियाँ रहती है। जो लोग माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग मंत्रों की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो आरोग्य रहना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को चमेली की जड़ अवश्य लाना चाहिए। चमेली की जो जड़ है, इसे नवरात्रि के पहले दिन लाना है, या फिर आप इसे नवरात्रि के किसी भी दिन ला सकते हैं और इसकी आपको पूजा करनी है। अगर आप 9 दिन पूजा नहीं कर पाते तो कम से कम 1 या 2 दिन तो इसकी पूजा जरूर करें। इसकी पूजा के बाद इसे चांदी की ताबीज में धारण करना होगा और दशहरे के दिन धारण करना होता है, तो इससे देवीय शक्ति की प्राप्ति होती है, अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति होती है, भगवान हनुमान जी की असीम कृपा बरसती है। दूसरे क्रम में आता है लठजीरा नाम का पौधा। आप ये देख सकते हैं, इसे अपमार्ग, लठजीरा, चिरचिटा, औंधा कांटा और भी कई नामों से भी जाना जाता है। कई लोग इसे चिड़चिड़ा, कई चिरचिटा के नाम से भी जानते हैं। और अपमार्ग यानी इसे अपमार्ग क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके जो बीज होते हैं वो उल्टी तरफ होते हैं। आपने बहुत सारे पेड़ पौधों के बीज देखे होंगे, वो हमेशा सीधी तरफ होते हैं, लेकिन अपमार्ग के बीज उल्टे होते हैं। इसी कारण इसे अपमार्ग कहते हैं, अर्थात ये दुनिया से बिल्कुल उल्टा चलता है। संत महात्मा लोग अपमार्ग का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। दोस्तों, यदि अपमार्ग के पौधे के बीज की खीर बनाकर जो खाता है, उसकी 30 दिनों तक पेशाब, पानी, यहाँ तक कि शौच क्रिया भी बंद हो जाती है, तो जो साधना करने वाले अधिकांश साधु महात्मा होते हैं, वे अपमार्ग के बीजों की खीर बनाकर खाते हैं, फिर लंबे समय तक साधना करते हैं। इस खीर को खाने के बाद भूख, प्यास या शौच क्रिया नहीं सताती, तो इसकी जड़ को कब व कैसे धारण करना चाहिए? दोस्तों, नवरात्रि में दशमी तिथि यानी दशहरे को इसे धारण करना होता है। इसको धारण करने के बाद ये शत्रु का नाश करता है। और एक खास बात, जो लोग वशीकरण प्राप्त करना चाहते हैं कि सभी लोग उन्हें देखकर सम्मोहित हो जाए, उनके चेहरे से नजर ना हटाए और उन्हीं की बात माने, तो ऐसे व्यक्ति को अपमार्ग यानी लठजीरा की जड़ को धारण करना चाहिए। इसकी जड़ धारण करने के बाद आध्यात्मिक उन्नति होती है, बंद किस्मत के ताले खुलते हैं। आप जहां भी जाएंगे, लोग आपको देखकर आकर्षित होंगे, आपके वशीभूत हो जाएंगे। इसे पहनने के बाद जो नवग्रह की पीड़ा होती है, नवग्रहों में से किसी भी प्रकार के जो ग्रह है आपको गलत परिणाम एवं गलत फल दे रहे हैं, तो गलत फल देना बंद कर देंगे एवं स्थिर हो जाएंगे। तीसरे क्रम की बात करें तो बरगद की जड़ लेकर आनी चाहिए। बरगद की जड़ आपके बंद किस्मत के ताले खोल देगी। बरगद की जटा अध्यात्म दृष्टि से बहुत ही पवित्र है और हमारे हिंदू धर्म में बरगद की जड़ को देव वृक्ष माना जाता है। बरगद को देव वृक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि वट सावित्री के दिन आपने जरूर देखा होगा, इनकी पूजा होती है। बरगद में समस्त देवी देवताओं की शक्तियाँ समाहित होती है। बरगद के पेड़ में पितरों का भी वास होता है। बरगद का वृक्ष भगवान शिव का स्वरूप कहा गया है। तो अगर आप अपनी बंद किस्मत के ताले खोलना चाहते हैं, अध्यात्म उन्नति करना चाहते हैं, तो नवरात्रों में बरगद की जड़ को पूरे 9 दिन पूजा करने के बाद जरूर धारण करना चाहिए। बरगद की जटा धारण करने के बाद आपको 20 से 30 प्रकार के फायदे मिलते हैं। दोस्तों, चौथे नंबर की बात आती है। चौथे नंबर पर आता है सफ़ेद मदार की जड़। सफ़ेद मदार की जड़ क्यों धारण करनी चाहिए?
जो सफ़ेद मदार की जड़ है वो भगवान गणेश जी के स्वरूप कहे जाते हैं। दोस्तों आपको मैं खास तौर पर बता रहा हूँ, जो 11.5 वर्ष पुरानी सफ़ेद मदार की जड़ होती है ये भगवान गणेश जी के सूंड की आकृति ले लेती है। आपने कई मंदिरों में देखा होगा मदार के गणेश जी बनाए जाते हैं। मदार के गणेश जी को बहुत ही ज़्यादा फलकारी माना जाता है, ये तत्काल आपको फल प्रदान करते हैं। भगवान गणेश जी को रिद्धि सिद्धि के स्वामी कहे गए हैं, तो अगर आप रिद्धि सिद्धि धन शुभ लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो मदार की जड़ नवरात्रि में लाना ना भूले और इसकी पूजा 9 दिन कम से कम 4-5 दिन जितने भी दिन हो सके आप इसकी पूजा अवश्य करें और 10वीं तिथि को धारण कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। मदार भगवान गणेश जी के स्वरूप कहे गए हैं और मदार की जड़ धारण करने से नवग्रह की पीड़ा समाप्त हो जाती है। खासकर बुध ग्रह जो आपको गलत परिणाम दे रहे हैं तो गलत परिणाम मिलना बंद हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं अंतिम जड़ की, अपराजिता। अपराजिता क्यों धारण करना चाहिए? क्योंकि जो अपराजिता है इसके पुष्प माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, यदि माता लक्ष्मी आपके घर नहीं आ रही है, आप परेशान हो चुके हैं, आपकी आर्थिक एवं दैनिक स्थिति खराब हो चुकी है, तो अपराजिता पौधे की जड़ अवश्य धारण करें। इसे चांदी के ताबीज में धारण करने के बाद माता लक्ष्मी की कृपा एवं आशीर्वाद प्राप्त होना शुरू हो जाता है, बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी, आपको आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होगी। मानो या ना मानो धर्म अपनी जगह है, जड़ी बूटियों की शक्तियाँ अपनी जगह है, चाहे मानो या ना मानो। देखिए टोने टोटकों पर भी विश्वास करना जरूरी है, जो लोग मानते हैं उनके लिए भगवान है, जो नहीं मानते उनके लिए महज एक पत्थर है। दोस्तों लोग तो भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को भी आज झुठलाते हैं। मैंने आपको तांत्रिक टोटकों के बारे में बताया है, पेड़ पौधों की जड़ के उपाय के बारे में बताया है। ये आस्था एवं विश्वास पर निर्भर करता है। अगर आस्था है तो ही आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, अगर आस्था नहीं है तो आपको कोई भी परिणाम नहीं मिलेगा। तो अपने बंद किस्मत के तालों को खोलने के लिए, अपना भाग्य परिवर्तित करने के लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए इन जड़ों को जरूर धारण करें। ये जड़ हमेशा आपकी सुरक्षा करेगी, एक दोस्त की तरह ये आपकी हमेशा सहायता करेगी। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो सभी के साथ शेयर अवश्य करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।